देविका लाई सुमन और तीर्थ को एक दूसरे के करीब, परिवार के सामने किया तीर्थ और सुमन का गलत रिश्ता साबित। कलर्स टीवी के शो सुमन इंडोरी के अपकमिंग एपिसोड में हमें यह देखने मिलेगा, जैसा कि देविका कृतिका और तीर्थ के हल्दी रस्म के दिन सुमन को फंसाने की तैयारी करती है और यहाँ पर देविका जानबूझ के सुमन के कपड़ों पर हल्दी गिरा देती है, जिसके बाद वो सुमन से ये कहती है कि उसे अंदर जाकर कपड़े बदल लेने चाहिए। साथ ही साथ इस वक्त कृतिका आकर तीर्थ से ये कहने लग जाती है कि काफ़ी देर हो चुकी है, जिसके चलते तीर्थ को भी नहा कर कपड़े बदल लेने चाहिए। और यहाँ पर कृतिका और देविका मिलके तीर्थ और सुमन को एक ही कमरे में भेज रहे होते हैं, जहां पर जब देविका के पिता ये देखते हैं कि तीर्थ के कमरे में सुमन जा रही है तो वो परेशान हो जाते हैं, जिसके चलते देविका के पिता और तीर्थ के पिता दोनों ही बढ़ते हैं तीर्थ के कमरे की तरफ। और यहां पर कमरे के अंदर सुमन कपड़े बदल रही होती है, जहाँ पर तीर्थ बाथरूम से नहाकर आया हुआ होता है टॉलिए में, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं, जिसके चलते वो फिसलकर एक दूसरे के ऊपर स्तर पर गिर जाते हैं। और ऐसे में जब घर वाले उन दोनों को ऐसी हालत में देखते हैं तो उनके रिश्ते को गलत समझ बैठते हैं। वेल, क्या है आपका कहना, आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।